अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो, इफ यू आर ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, देन कई बार आपको क्या मिलेंगे, कुछ डेटा मिलेगा। डेटा कैसा होगा, साइफर टेक्स्ट में होगा या फिर इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, है ना? तो आपको उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल डेटा क्या है। जैसे कि अगर मैं FBI या CBI की बात करूँ, वहां पे क्या होता है, उनको कई बार जब वो पैकेट कैप्चरिंग करते हैं तो उन्हें, आपने ऐसे मूवीज में भी देखा होगा कि कई बार हमें जो डेटा मिलता है वो इंक्रिप्टेड होता है ना, अलग फॉर्मेट में लिखा होता है। हमें उसमें से ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है ना? हाँ सर। तो वो आप कैसे करते हो, वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सो क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ यू कैन सी क्रिप्टोग्राफी इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्रिप्टोग्राफी होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ इंक्रिप्शन इटसेल्फ। क्रिप्टोग्राफी अपने आप में ही एक इंक्रिप्शन प्रोसीजर होता है, इंक्रिप्शन का एक तरीका है, वेयर अ रीडेबल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटेड इनटू द कन्वर्टेड फॉर्मेट इनटू कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म व्हिच डजंट लीव द वैल्यू ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे क्या होता है कि हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करके जो भी हमारे पास रीडेबल प्लेन टेक्स्ट है उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी अनदर, किसके अंदर, किसी भी अनदर फॉर्मेट के अंदर। एंड वो जो फॉर्मेट होता है वो प्लेन टेक्स्ट की वैल्यूज को नहीं छोड़ता, मतलब प्लेन टेक्स्ट ही होता है उसके अंदर, बट उसके जो फॉर्मेट हो जाता है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है दोनों के बीच में, वो प्लेन टेक्स्ट ही रहता है बट फॉर्मेट चेंज हो जाता है, वैल्यू सेम रहती है उसके अंदर, डेटा सेम रहता है। द कन्वर्टेड फॉर्म विल बी रीडेबल बाय द ह्यूमन बीइंग। जो कन्वर्टेड फॉर्म हमें मिलती है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, उसे कोई भी यूजर, कोई भी पर्सन रीड कर सकता है वेरी इजिली। ठीक है, बहुत आसानी से रीड कर लेता है, बट विल बी नो सेंस। बट उसके लिए अगर हम समझने की बात करें, क्या वो समझ सकता है, तो नहीं, उसका कोई भी सेंस नहीं होता। ठीक है, मतलब हमें इंक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल रहा है, हम उसे रीड करते हैं, अगर नॉर्मल यूजर रीड करता है तो उसके लिए वो क्या है, एक तरीके का टेक्स्ट है जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसे वो समझ में नहीं आना लिखा क्या है ना। लाइक यू डोंट नो अबाउट द उर्दू लैंग्वेज और मैं कुछ, या इफ यू डोंट अबाउट द स्पेनिश लैंग्वेज और मैं स्पेनिश में लिख दूं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में लिखा क्या है। बट दिस इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट, राइट? यस सर। These encryption technique is used mostly for securing and maintaining the privacy of that data. So यहाँ पे जो encrypted text use किया जाता है या ये जो encryption technique use करी जाती है, इसके basis से, इसके help से होता क्या है, हमारा data secure रहता है और जो हमारी privacy है वो maintain रहती है किसकी, data की, ताकि अगर कोई भी person उसे capture कर ले तो वो easily उसको समझ नहीं पाता। ठीक है, okay sir। ये तो हो गया क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली है क्या। आई होप एक छोटा सा आपको आइडिया लगने लगा होगा कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, राइट? ओके, फॉर दिस टेक्निक यूजर हैव अ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। इस टेक्निक में क्या होता है कि एक जो यूजर है, जिसने जो अपने टेक्स्ट को हाइड करना चाहता है, उसके पास एक इंक्रिप्शन की एल्गोरिथम होती है एंड अ की फॉर इट्स डिस्क्रिप्शन, और उसके लिए एक की भी होती है उसके पास, जिसके बेसिस का या जिसका यूज करके वो उस टेक्स्ट को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, डिक्रिप्ट यानी कि वापस से चेंज करना इनटू द प्लेन टेक्स्ट। क्लियर? सर, क्लियर सर। यूजर विल ट्रांसमिट दैट इंक्रिप्टेड मैसेज। यूजर क्या करता है, उस इंक्रिप्टेड मैसेज को ट्रांसमिट करता है, रिसीवर विल रिसीव, रिसीवर क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा। Now, the receiver to understand, receiver understand कर सकता है, he need to convert it into the plain text, जो क्या करेगा, उसको convert करता है plain text के अंदर, किसको, cipher, plain text में, या फिर cipher में, for that he again needs the key and to extract the algorithm that is called a decryption. अब जो plain text को दोबारा से convert कर रहा है, cipher text को दोबारा से convert कर रहा है plain text में, ठीक है, तो उसके लिए उसे अगेन एक की जरूरत पड़ेगी, एंड वो की क्या कहलाएगी, जब वो की उसको यूज करेगा तो की के साथ उसे एक पर्टिकुलर वही एल्गोरिथम चाहिए, जिस एल्गोरिथम का यूज करके उस टेक्स्ट को क्या किया गया था, इंक्रिप्ट किया गया था। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो
क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, जो भी हमारे पास साइफर टेक्स्ट हमें मिला है अपने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर, उस साइफर टेक्स्ट को हमें क्या करना है, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा विद द यूजिंग ऑफ सम एक्स्ट्रा एल्गोरिदम प्रोसेसेस, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये आता है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज आप समझ लो कि प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है पहले, ठीक है? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन टेक्स्ट, या कुछ कह रहे हैं ना? नहीं सर, ओके बोलो सर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन टेक्स्ट, अ टेक्स्ट व्हिच इज क्रिएटेड एंड रीडेबल बाय द इंडिविजुअल्स ओनली, लाइक जैसे कि हमारे थ्रू एक ऐसा टेक्स्ट जो कि नॉर्मल एक क्रिएट किया गया और हम उसे पढ़ सकते हैं, कोई भी जन उसे पढ़ सकता है, दैट इज लुक्स लाइक ए बी सी डी 1 2 3 4 या फिर आपके सिंबल्स, राइट? ये क्या है, होता है आपका प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? नाउ साइफर टेक्स्ट क्या कहलाता है, इट इज अ इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। ये किस टाइप का होता है, एक इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है व्हिच इज कन्वर्टेड बाय अप्लाइंग एन एल्गोरिथम ऑन द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एक किसी टाइप के एल्गोरिथम का यूज करके उसे कन्वर्ट करना इंक्रिप्टेड टेक्स्ट के रूप में, दैट इज कॉल्ड अ साइफर टेक्स्ट, ठीक है? डिक्रिप्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ डिक्रिप्शन। तो हमें इंक्रिप्शन में क्या करना है, इंक्रिप्शन में हम यहाँ पे दो चीजें देखो करेंगे, पहले तो हम इंक्रिप्ट करके देखेंगे, फॉर्मेट समझेंगे कि होता किस टाइप के है हमारे पास इंक्रिप्शन, कौन कौन से हैं जिनके थ्रू कोई भी क्रिमिनल किसी भी टाइप का एक यूजर जो क्या कर सकता है, इंक्रिप्शन का यूज कर सकता है या फिर अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है? एंड नाउ आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उस प्लेन टेक्स्ट को जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा उसको हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। दिस इज कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? ओके सर, बढ़िया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। नाउ प्लेन टेक्स्ट हमें पता है किस तरीके का है ना, लेट्स वी टॉक अबाउट द साइफर टेक्स्ट फर्स्ट। ओके, तो If we are talking about the cipher text, ciphers के बारे में अगर हम बात करें, तो in cryptographic process, ciphers are those encrypted text which came through the algorithm process of encryption. यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि cryptographic process के अंदर cipher text एक किस तरीके की encrypted text होता है, जिसको हम करते किस तरीके से encryption, एक algorithm की use करके encrypt किया जाता है, ठीक है? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइफर एग्जांपल्स, लाइक साइफर टेक्स्ट किस किस टाइप के आपके हो सकते हैं, तो सबसे पहला आता है आपके पास जैसे कि सीजर साइफर हो गया। कौन सा साइफर हो गया, सीजर साइफर। सो सीजर साइफर क्या है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइफर टेक्निक व्हिच केम अक्रॉस विद द टेक्निक ऑफ इंक्रिप्शन अ प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। एक सीजर साइफर इस टाइप का साइफर टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और ये काफी सिंपल टेक्निक आप बोल सकते हो, इफ द पर्सन इज नो अबाउट दिस टेक्निक, तो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक एंड दिस इज वेरी ओल्ड टेक्निक जो काफी टाइम से यूज होती हुई आ रही है, ठीक है? तो सीजर साइफर वर्क्स बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग, या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सबट्रैक्ट करेंगे क्या, थ्री कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। जो भी हमारे पास कैरेक्टर हैं उसमें से हम तीन कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर हम तीन स्पेसेस को माइनस कर सकते हैं। Not even and only the three character, that is the key actually. तो हमारे पास जो ही नहीं है कि हम three characters को ही add करें, हम वहाँ पे दो character, तीन character, चार character, that is completely depending upon encryption procedure कि हम क्या करते हैं। But the procedure is basically called जो एक default procedure है वो हमें क्या बोलता है कि आप तीन characters को या तो add करो या तो minus करो, ठीक है? Okay sir. That means if in a plain text there is a character either E, it will be transmitted to B, and if the character is A, it will be transmitted to X. Now, how is it performed? So, let's take practical example. So, जैसे कि हमारे पास suppose करो कुछ alphabets हैं, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q R S T U V W
x y z. अल्फाबेटिक हो गए वहां पर 26, राइट? यस सर. नाउ हमारा जो मैसेज है, मैसेज है हमारा ये, ये क्या है हमारे लिए? एक प्लेन टेक्स्ट. क्या है? ओके सर. टेक्स्ट, राइट? अब इसके लिए हम बनाएंगे क्या, साइफर टेक्स्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं इनटू द साइफर टेक्स्ट, तो कैसे कन्वर्जन होगा ये देखो आप. हमने इसके लिए जो की यूज करी है या एल्गो जो यूज करी है इसकी, वो क्या है हमारे पास? सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 कैरेक्टर नंबर. ठीक है सर. दिस इज माय एल्गो जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो एल्गो में सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिला कि हमने 3 को करना है, राइट? सो अब देखो, अगर मुझे आर सेंड करना है, ठीक है, तो आर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या ट्रांसमिट होगा? ओ. ठीक है. नाउ ए की जगह पे क्या ट्रांसमिट होगा? ए माइनस हो गया, जेड माइनस हो गया, वाई माइनस हो गया, क्या ट्रांसमिट होगा? एक्स. सी की जगह पे क्या ट्रांसफर होगा? ए सी माइनस हो गया, बी माइनस हो गया, ए माइनस हो गया, बचा क्या? जेड, राइट? फिर एच की जगह पे क्या होगा? एच माइनस हो गया, जी माइनस हो गया, एफ माइनस हो गया, बचा क्या? एफ. ठीक है. आई की जगह पे क्या होगा? आई माइनस हो गया, एच माइनस हो गया, टी माइनस हो गया, बचा क्या? आई की जगह पे कर देना. यस सर. ओके. एच की जगह पे होगा ई और आई की जगह पे होगा एफ, राइट? ओके. टी की जगह पे क्या होगा? गलत लिख गया था. टी गया, एस गया, आर गया, क्या बचा? क्यू, राइट? ओके सर. राइट. सो शुभनंदन जी, दिस इज द प्रोसेस कि हम किस तरीके से डेटा को, अब देखो अगर मैं आपको ये वाला डेटा भेजूं, ठीक है, सो किसी भी नेटवर्क के ऊपर अगर मैं डेटा पैकेट ट्रेवल करा रहा हूँ, उस केस में अगर मैं साइफर टेक्स्ट भेजता हूँ और मुझे वहां पे की बता देता हूँ, दिस की इज बेसिक, दिस द एल्गोरिथम इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 नंबर्स. सो अगर आपको इसको डिटेक्ट करना हो तो आप क्या यूज करोगे? एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, राइट? यस सर. तो हमारे लिए डिक्रिप्शन की क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एडिशन, एडिशन ऑफ 3 कैर ऑफ नंबर्स, राइट? राइट. यस सर. तो अगर मैं इसको अब डिक्रिप्ट एडिशन करूंगा तो मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट हमें दोबारा से मिलेगा वो क्या मिलेगा ये भी देख लो. सो अब देखो, मेरे पास ओ था, मेरे पास साइफर टेक्स्ट क्या मिला? ओ एक्स जेड एफ क्यू. ओके, तो ये है मेरा डिक्रिप्शन. स्पेलिंग सही है ना? CRY होता है. So this is my description key and this is my encryption key, ठीक है? Yes sir. तो decryption करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये देखो, addition करना पड़ेगा. हमारे जो basic key गई थी वो हमने ये pass करी थी, ठीक है? Algo जो है वो हमारे पास ये है, ठीक? तो key में हमने जो यहाँ पे pass किया O की जगह पे, अब देखो O में add करो, तो O में add किया क्या? 1, 2, 3 क्या मिला हमें? R. R. Yes sir. R. फिर हमने क्या किया X की जगह पे, तो X 1, 2, 3 T पे क्या मिला? A. Okay. Right. फिर Z की जगह पे Z 1, 2, 3 C. क्या मिला? C. E की जगह पे हमें क्या मिला? E. F. G. H. Right. F की जगह पे हमें क्या मिला? 1, 2, 3 I मिला. Yes, sir. और Q की जगह पे हमें क्या मिला? R H T. तो this is the
plain text which I am converted by the adding of three characters of numbers. ठीक है सर, समझ में आया? समझ में आया सर. This is for the Caesar cipher. ये क्या होता है? प्रोसीजर है आपका Caesar cipher. तो यहाँ पे जो की है वो तो है आपकी ये, थोड़ा सा मैंने वो लिख दिया, ये की है और ये है encryption algo और ये है आपकी encryption algo. ठीक है? ओके सर. समझ में आया? समझ में आया सर. इसको बोलेंगे क्या? Caesar cipher. ओके सर, Caesar cipher. Clear? तो ये मैं वहां पे ऐड कर देता हूँ. ठीक है? ओके सर. Clear? ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? This Caesar's algorithm is having some mathematical equation which describe the functionality of the cryptography process. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका हम यूज कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन यूज हो रही हैं जो आपको डिफाइन करती हैं फंक्शनैलिटी किसकी? क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस की. ठीक है? यस सर. बढ़िया. अब आ जाओ कुछ अलग. अगर हम केवल एक ही साइफर टेक्स्ट तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे साइफर टेक्स्ट हो सकते हैं. तो उन साइफर टेक्स्ट में अगर मैं अनदर एग्जांपल लेता हूं, दैट इज अ हिल क्लाइंब साइफर या फिर आपका प्ले फेयर साइफर जो मैंने यहां पे दो ऐड किए हैं. आपको और साइफर्स पढ़ने पड़ेंगे. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीस टू साइफर्स. तो ओपन कर लेते हैं फायरफॉक्स. नाउ मैंने यहां पे डाला हिल क्लाइंब. ओके, फॉर हमारे लिए वेबसाइट जिससे हम पढ़ेंगे. ठीक है? ज्यादा बड़ा हो गया. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर हिल क्लाइंब साइफर में क्या है आपके पास कि यहाँ पे जैसे कि प्लेन टेक्स्ट है एक्ट. क्या है प्लेन टेक्स्ट? एक्ट. जिसमें की जो भेजी गई है वो ये भेजी गई है GYBNQRURP एंड साइफर टेक्स्ट क्या है इसका? POH. ठीक है? ओके, एक दूसरा भी एग्जांपल है नीचे जिसका प्लेन टेक्स्ट GFG है और उसकी जो की है वो ये है और उसका जो साइफर टेक्स्ट है वो ये है. ठीक है? So, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो क्या है? एक्ट है ना. एक्ट के अंदर नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं? तीन, राइट? अच्छा, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो चलती है जीरो से लेके 26 इस तरीके से. तो सो ऑन करते जाएंगे तो जेड इजकल टू 26 नहीं होगा, जेड इजकल टू 25 हो जाएगा, राइट? बढ़िया. अब उस केस में हमने क्या किया, जो हमारे पास हिल क्लाइंब साइफर की की थी जो हमें ये मिली थी, है ना, इसकी इंडेक्सिंग भी हम वही करेंगे जीरो से, राइट? तो अगर आप काउंट करो जी को तो जी आपका आता है सेवन पर, ए बी सी डी ई एफ जी, कहाँ पे आ रहा है? सेवन नंबर पर, राइट? हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट है? जीरो से. तो ये कहाँ पे आ जाएगा? सिक्स पर. ठीक है? फिर वाई, अब y देखो हमारा आता है 25 पर बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 24 पे. d हमारा आता है किस पे? 2 पर बट इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग किस पे आएगा? 1 पे.
वैसे ही आपका एन जो है वो 13 हो जाएगा, क्यू जो है आपका 16 हो जाएगा, के जो है आपका 10 हो जाएगा, यू आपका 20, आर आपका 17 एंड पी जो 16 पे आता है वो किसके हो जाएगा 15 पे। क्लियर है ये? क्लियर सर। अब जैसे हमने इसकी मैट्रिक्स रेडी करी है एन बाय एन वाली मैट्रिक्स, वैसे ही हम क्रिएट करेंगे एक्ट की भी मैट्रिक्स, ठीक है? तो अगर हमने एक्ट की मैट्रिक्स क्रिएट करी तो ए जो है वो हमारा कहाँ पे आता है, 1 पे बट इंडेक्सिंग ऑफ 0, सी जो है वो हमारा 3 पे आता है बट इंडेक्सिंग ऑफ 2, एंड टी जो है वो हमारा 20 पे आता है बट इंडेक्सिंग ऑफ 19, राइट? यस सर। बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे, इन साइफर्स को समझ लेते हैं कैसे किया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी है, जस्ट अ मैथमेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती थी टू इनटू अ वन मैट्रिक्स टू अनदर मैट्रिक्स, हमने करी है बचपन में बहुत, है ना? तो यहाँ पे हमने केवल मैट्रिक्स को इनटू करना है। मैट्रिक्स आप इनटू करोगे, पहले वाली रो को उठा के इसके साथ इनटू करा दो, दूसरे वाली रो को उठा के फिर से इनटू करा दो, तीसरी वाली रो को उठा के फिर से इनटू करा दो, और जो भी आया उन सबको प्लस करके एडिशन बना दो, तो यहाँ पे आ गया 67222 and 319, राइट? ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलो 16 हम निकाल देंगे। तो अगर हमने इसका मॉडुलो 16 निकाला तो यहाँ पे 15, 14 एंड 7 आया। अब आप 15 का देखो, 15 आपका आता है, 15 पे जो हमारा कैरेक्टर हमें मिलता है वो आपका क्या है, पी इंडेक्सिंग ऑफ 0 के अकॉर्डिंग, राइट? 14 पे हमें मिलेगा ओ, एंड आपका 7 पे मिलेगा हमें एच। क्लियर है? आर यू देयर? यस सर। सर में आया ये चीज? हाँ समझ में सर। ये ठीक है, ये तो हो गया इंक्रिप्शन प्रोसीजर। अब इसे डिक्रिप्ट भी तो करना पड़ेगा हमें, है ना? तो इंक्रिप्शन सीखा, अब डिक्रिप्शन पे आ जाते हैं। तो देखो डिक्रिप्शन कैसे होगा। डिक्रिप्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें की, जो हमें लेटर्स मिले हैं, ठीक है, हम उनको क्रिएट करेंगे, उनका ट्रांसपोज बना लेंगे। सबसे पहले जो हमें की मिली थी उस की का क्या करेंगे, ट्रांसपोज क्रिएट करेंगे। तो हमने जैसे उसका ट्रांसपोज क्रिएट किया, ट्रांसपोज बनाया, तो ट्रांसपोज बनाते ही उसमें हमें की मिल गई 8, 5, 10, 21, 8, 21 and 21, 12, 8, और दीज आर द कैरेक्टर्स विच इज कन्वर्टेड बाय द ट्रांसपोज पोजिशन। ठीक है, इनवर्ड्स निकाल रहे हैं हम उसका, क्या निकाल रहे हैं, इनवर्ड्स निकाल रहे हैं। पहले देखा था उसका हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स मिलते हैं हमें क्या मिल जाएगी, की मिल जाएगी मॉडुलो 26 पर, राइट? ओके, की मिल गई हमें। अब हमारे पास नई की जो है डिक्रिप्शन के लिए वो ये है, ठीक है? ओके सर। एफ की क्या आई है, आई एफ के, ठीक, डिक्रिप्शन के लिए केवल। ओके, नीचे आए हम, नीचे आके हमने पीओए जो हमारे पास क्या था, साइफर टेक्स्ट है, उसे प्लेन में कन्वर्ट करना है, राइट? तो उसके लिए हमने जो की वहां पे निकाली थी, अभी जो ऊपर हमने की बनाई है उसके हमने इंडेक्सिंग कर ली जीरो के साथ, राइट? POH के जो हमारी इंडेक्सिंग है जीरो के साथ, उसे लिख के जस्ट इनटू कर दो, इनटू करके जो रिजल्ट आए उसका मॉडुलो निकाल लो। मॉडुलो निकालते ही 26 पे हम जैसे ही उसे निकालेंगे वैसे हमें क्या मिल जाएगा, 0 to 19, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू एक्ट, राइट? ओके सर। लिया? श्योर सर, समझ गया सर। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, मैक्स फार्मूला। देखो ये तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैथमेटिकल चीजें यूज करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स तो नहीं करा रहा, अगर आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना है तो आपको मैथमेटिकल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी फॉर द इंस्क्रिप्शन ओनली। प्रोसीजर तो समझ गया सर, प्रोसीजर समझ गया, बस हमें प्रोसीजर एक समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि आप वहां बैठ के ये काम अपना मैथमेटिकल टर्म से तो करोगे नहीं ना, क्योंकि इतना छोटा सा तो लेटर होगा नहीं आपके पास। हाँ सर, समझ लो, वहां पे तो आपके पास क्या होगा, एक बड़ा सा कोई स्ट्रिंग हो सकती है, बड़ा सा कोई सेंटेंस हो सकता है, राइट? हाँ सर, यस सर। उसके लिए फिर हम यूज करते हैं अपना क्या, टेक्निकल प्रोसीजर, जो कि हमारा क्या बेस्ड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस में आप इसको कैसे लिख सकते हो पूरा कोड समझाया गया है, जावा में कैसे कर सकते हो पूरा कोड समझाया गया है, पाइथन में कैसे कर सकते हो पूरा कोड है,
एंड सी में हैश में कैसे कर सकते हो उसके लिए पूरा कोड है. तो एटलीस्ट आप एक लैंग्वेज सीखो एंड सिंपलेस्ट लैंग्वेज दैट इज अ पाइथन लैंग्वेज. ठीक है, सो अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीख लेते हो तो आप उसमें इस कोड को डाल के आराम से डिक्रिप्ट कर सकते हो. ठीक है सर, समझ में आया ना? हाँ सर बिल्कुल. बस सिंपल सा प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे देखा कौन सा था, हिल क्लाइंब साइफर का. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेटेड टू साइफर्स की अगर मैं बात करूँ, दे आर मल्टीपल साइफर विच इज इंडेक्सिंग हियर. सो जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन ऑफ हिल क्लाइंब साइफर हो गया, ये देखो एक है वर्जिनियस साइफर, एक्सोर साइफर एक्सोआर है ना, रेल फ्रेंच साइफर है ना, प्लस आपका क्या है बैकोनियन साइफर, कीवर्ड साइफर, नल साइफर, लैटिन अल्फाबेटिक साइफर, दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइफर. अब एक और साइफर देखते हैं, फिर उसके बाद आप एक छोटा सा आपको काम करना है, एटलीस्ट यू हैव टू लर्न द 10 टाइप्स ऑफ साइफर्स एज अ होमवर्क. ठीक है, आप 10 टाइप के साइफर्स को एज अ होमवर्क ले लो या जैसे भी आपकी मर्जी करे, बट स्टिल यू हैव टू लर्न इट अबाउट द साइफर्स. ओके, सो जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ प्लेफेयर साइफर. तो प्लेफेयर साइफर का एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो प्लेफेयर साइफर होता क्या पहले समझ लो. द प्लेफेयर साइफर वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राम सॉल्यूशन साइफर जो डायग्राम के ऊपर काम करता है. ठीक है, अभी तक किस पे थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर काम कर रहे थे है ना, ये किस पे काम करता है, डायग्राम्स के ऊपर काम करता है. द स्कीमा वाज इन्वेंटेड इन 1854 बाय चार्ल्स व्हीटस्टोन, क्या नाम है. Okay, but was named after Lord Playcipher, Playfair, who promoted the use of this cipher. In this Playfair cipher, unlike traditional cipher, we encrypt and play of the alphabetic digraph instead of the single alphabet. हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी alphabetic को as a numbers या किसी तरीके से characters तरीके use नहीं करते. We are just using this thing as a किस तरीके से यूज करेंगे, एज अ डायग्राफ के रूप में, यानी डायग्राम में हम इसे करेंगे. ठीक है, ओके, इट इज यूज्ड फॉर टेक्निकल पर्पस फॉर ब्रिटिश फोर्सेस इन सेकंड डोरियन वॉर. जो आपके ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से सेकंड वॉर हुई थी ना, उसमें इसका यूज किया गया था, एंड द वर्ल्ड वॉर, एंड फॉर द सेम पर्पस बाय द ऑस्ट्रेलियंस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू. ये प्रोसीजर आपके वर्ल्ड वॉर टू में जब हुआ था आपका, तो जो आपके ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्होंने भी इसको क्या किया था, यूज किया था मैसेज अपना सेंड कर निकले. दिस वाज बिकॉज प्लेफेयर इज अ रीजनेबली फास्ट टू यूज एंड रिक्वायर नो स्पेशल इक्विपमेंट. अब देखो अगर आपको बाकी वाले करने हैं, ठीक है, जैसे आपको प्रोग्रामिंग वाले, तो आपको एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, प्लस उसके लिए कुछ अलग से हार्डवेयर डिवाइस चाहिए जिसके बेस पे आप वहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा तो आप उसे रन करा के नहीं देख पाओगे. राइट, तो इस वहां पे आपका जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो वहां पे उनके पास कंप्यूटर तो थे नहीं उस टाइम पे, है ना, नहीं वो रख सकते थे. दैट्स व्हाई वहां पे क्या किया गया, आपके साइफर प्लेफेयर साइफर टेक्निक का यूज किया, बिकॉज इसमें आपको कुछ नहीं करना, बट डायग्राम उठाओ, डायग्राम में उसको सेट करो, बना दो. ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको, ये समझ लो. इसको बनाने के लिए हमारे पास देखो जो की है वो क्या है, मोनारची, MONARCHY, एंड अ प्लेन टेक्स्ट दैट इज द इंस्ट्रूमेंट्स. राइट, ये क्या है हमारा प्लेन टेक्स्ट. अब हम करेंगे क्या, मोनारची को एक एक अलग अलग अल्फाबेट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे देखो जनरेटेड बाय द की स्क्वायर 5x5 की हम यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो द की स्क्वायर 5x5 ग्रिड अल्फाबेटिक दैट एक्ट्स एज द की ऑफ इंक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट. ईच ऑफ 25 अल्फाबेट मस्ट बी यूनिक एंड वन लेटर ऑफ द अल्फाबेट दैट इज यूजुअली जे इज ओमिटेड फ्रॉम द टेबल. यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5x5 की मैट्रिक्स बनाएंगे. तो इस 5x5 के मैट्रिक्स को अगर हम इंटू करते हैं तो 25 ही कैरेक्टर तो बनते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं. राइट, तो इस केस में जो जे होता है ना उसे हम जनरली नहीं यूज करते. ठीक है, एज द टेबल कैन होल्ड ओनली 25 अल्फाबेट, इफ द प्लेन टेक्स्ट कंटेन्स जे देन इट इज रिप्लेस्ड विद आई.
तो अगर उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर कहीं पे जे आ रहा हो तो उसे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, आई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है? द इनिशियल अल्फाबेट क्या है, द इनिशियल अल्फाबेट इन द की स्क्वायर आर द यूनिक अल्फाबेट ऑफ द की इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर फॉलोड बाय द रिमेनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर, ठीक है? तो कैसे करना है ये समझ लो। सबसे पहले मोनालिची जो आपके पास की थी उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनिशियल एंट्रीज में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को। यस सर, यस सर। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, बाकी सबको 5x5 की मैट्रिक्स के अंदर ए टू जेड कैरेक्टर्स को फिट कर देंगे। सबसे पहले हम मोनार्ची को फिट करेंगे, देन बाकी कैरेक्टर्स को फिट करेंगे। तो नाउ लुक एट हियर, हमने सबसे पहले MONARCHY मोनार्ची लिख दिया 5x5 की मैट्रिक्स में, देन उसके बाद बाकी के अल्फाबेटिक ऑफ 26 जो हमारे पास कैरेक्टर्स है उन्हें लिख देंगे। तो ए तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बी सी आ चुका है, तो डी E, F, G, H, H आ चुका है, देखो मान लिया, I, J, J तो लिखना नहीं है, K, ठीक है, M, M आ चुका है, N आ चुका है, O आ चुका है ना, M, N, फिर हमारे पास P आ गया, M, N, हेलो P, है ना? Yes sir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L आ गया, M, N, O, P, P, Q, R आ चुका है, S आ गया, है ना, R आ चुका है, S, T, U, W, V, W, X, अब देखो Y आ चुका है, तो Z हो गए मेरे पास सारे characters? Yes sir. अब देखो नीचे आओ, अब करना क्या है, second step में algorithm is to encrypt the plain text is split into the pair of the two letters. आपको क्या करना है, जो आपके पास plain text है उसे दो letters, दो दो characters या दो दो letters के रूप में आप उसे group बना दो उसका। If there is an odd number, अगर आपको odd number मिलता है, तो Z is added to the last number. तो आप क्या करो, Z को last में add कर दो। Like आपने दो दो के group बनाए, जैसे instrument के देखो, हमने दो दो के group बनाए, ठीक है? I N H T R U है ना? M E N T S ऐसा अलग अलग बच गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, Z को add कर दिया उसके साथ, ठीक है? Okay, okay sir. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, rules of encryption procedure में, if both letter are in the same column. अगर जो लेटर है वो आपके सेम कॉलम में है, एक ही कॉलम में है, ठीक है? नाउ लेट टेक द लेटर बिलो ईच वन गोइंग बैक टू द टॉप इफ द एंड इफ एट द बॉटम, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एम ई के लिए जो डायग्राफ हमने बनाया वो एम यहाँ पे आया, ई यहाँ पे आया, सेम कॉलम के अंदर है, ठीक है? तो वहां पे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट में क्या उसका मिलेगा, सी एल। हाउ, एम के नीचे का क्या है सी, एंड सी के नीचे का क्या है एल, ठीक है? अगर ये उल्टा होता, लाइक एम होता फिर ई होता, तो हम उसको पहले को पहले हम नीचे वाला लेते, फिर उसके बाद ऊपर वाला लेते, ठीक है? ओके सर। ओके, सो एम ई का समझ में आया। अब सेम, इफ बोथ लेटर्स आर इन सेम रो, अगर दोनों लेटर सेम रो के अंदर है, अभी कैसे थे सेम कॉलम में, ठीक है? अब क्या है, अगर सेम रो में आ रहे हैं, टेक द लेटर टू द राइट ऑफ ईच वन, तो हम क्या करेंगे, उनके राइट वाले लेटर्स को टेक करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे। कैसे सेट करना है, नाउ लुक एट हियर डायग्राफ, एच टी जो है वो हमारे पास कैसे आ रहा है, सेम रो में आ रहा है, yes, sir. है ना? तो एस का जो बनेगा वो क्या बनेगा, टी, एंड टी का क्या बनेगा, एल। तो एस का हुआ टी, एंड डी का क्या हुआ, एल, ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर सर, क्लियर। लास्ट वन आता है इफ Neither of the above rule true. अगर दोनों में से कोई भी true नहीं होते, ना ही वो same column में है, ना ही वो same row में है, तो for from an rectangle with two letters and take the letters, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एक rectangle create करेंगे, and उस rectangle में जो आसपास के होंगे, on the horizontal opposite corner of the rectangle, तो हम उनको क्या करेंगे, select कर लेंगे। कैसे, देखो n and t मिल रहे हैं, opposite मिल रहे हैं, एक rectangle create कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो n का हमें जो अपोजिट मिल रहा है, t के अपोजिट में कौन सा मिलेगा, r, है ना, जो रेक्टेंगल बना रहा है, देखो r t r t n r t n r t, है ना? तो हम r ले लेंगे, एंड जो हमारे पास उसके बाद t के अगर हम शुरू करेंगे, तो t के रेक्टेंगल में क्या मिल रहा है हमें, q, राइट? यस सर। अगर हम t से लेके n तक जाए तो हमें क्या मिलता है, q से होके निकलेंगे ना, तो Q हमारे लिए क्या हो गया, T का replacement, and N हमारे लिए क्या हो गया, R, उस R हमारे लिए क्या हो गया, N का replacement, ठीक है?
ओके सर श्योर सेम एज इट इज हम बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी करेंगे सेम प्रोसेस लाइक इस तरीके देख लो एन का ए हो गया ठीक है सॉरी यहाँ पे हाँ एन का ए हो जाएगा और आई का जी हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है प्ले फेयर साइफर समझ में आया यस सर ग्रेट समझ में आया मगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर ऑब्वियसली शिवनंदन जी आपको कम से कम 10 साइफर्स अलग अलग उठाने हैं जिसमें आप दो साइफर तो ये भी ले सकते हो एक तो हिल क्लैन साइफर और एक प्ले फेयर साइफर बाकी बचे 8 साइफर उनको आप इंटरनेट से यहीं से निकाल लेना और उनको आप पढ़ो और उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है ठीक है ओके तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी का प्रोग्राम दे रखा है इसके लिए कि आप अगर सी प्रोग्राम इंटरनेट के थ्रू इसे करना चाहते हो बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो हाउ डू यू डू दैट क्लियर क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ साइफर जो हमने अब देखो इसके डिस्क्रिप्शन भी है अब डिस्क्रिप्शन भी एक बार समझ लो हमारे पास की क्या थी मोनारिची राइट प्लेन टेक्स्ट क्या था इंस्ट्रूमेंट एंड साइफर टेक्स्ट क्या था जो ये बनके हमें मिला है राइट डिस्क्रिप्शन के लिए मोनारिची हमारा प्लेन टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट क्या है जो हमें मिल रहा है वहां पे ठीक है कोई बात नहीं अब यहाँ पे क्या है वही चीज हमें क्या करना है 5x5 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें जे को हम यूज नहीं करेंगे अगर जे आ रहा है तो आई से रिप्लेस कर देंगे ठीक है एंड इनिशियल बेस पे हमें उन्हें क्या करना है सेम प्रोसेस मोनारिची को डिवाइड करो और अल्फाबेटिकली सेट कर लो 5x5 की मैट्रिक्स में ठीक है Now, for the description of these things, अब हमें क्या करना है सेम प्रोसेस करनी है साइफर टेक्स्ट इन द इवन कैरेक्टर्स तो अगर इवन कैरेक्टर्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है हमने दो दो के सेट बना लिए राइट नाउ अब आप यहाँ पे आओ इफ द बोथ कैरेक्टर्स ऑन द सेम कॉलम तो उनके बना दो सेम कॉलम वाले अगर वो सेम रो में है तो सेम रो वाले बना दो अगर वो दोनों में से कोई रूल नहीं फॉलो करते तो क्रॉस वाले ले लो ठीक है रेक्टेंगल फॉर्मेट ले लो क्लियर क्लियर सर Now, जब आप इस तरीके से करोगे तो ये आपको क्रिएट करके देगा GA का IN, TL का ST, MZ का RU, CL का ME, RQ का NT, NTX का SZ, right? तो इससे मुझे क्या मिलेगा मेरा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा दैट इज दिस वन अब मुझे पता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं होता है तो मैं Z को हटा दूंगा मुझे एग्जैक्टली वर्ड मिल जाएगा दैट इज इंस्ट्रूमेंट क्लियर क्लियर बढ़िया So, यहाँ पे इसकी भी देखो डिस्क्रिप्शन की भी वो लिखी हुई है प्रोसेस पूरी कि डिस्क्रिप्शन को आप कैसे सी लैंग्वेज में कर सकते हो तो आप यहाँ से इसको रन करा के देख सकते हो देखो इसके ऊपर आपको रन का भी मिलता है ये कॉपी के लिए है कोड को या आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हो वो या फिर आप इसके अंदर रन कराना चाहते हो सीधा आउटपुट तो आप इसको रन करा के इसका आउटपुट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो ठीक है रिक्वेस्टिंग फॉर कंपाइलिंग एंड दिस इज द एग्जैक्ट लेटर ठीक है अब देखो किसी ने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया है तो इंस्ट्रूमेंट टी की जगह पे क्या मिल रहा है के मिल रहा है ना किसी ने इसके अंदर छेड़खानी करके इसको चेंज किया है समझ में आया हाँ समझ में आया सर तो इसका एडवांटेजेस क्या है इफ द सिग्निफिकेंटली हार्डर टू ब्रेक सिंस द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस टेक्निक यूज्ड फॉर द ब्रेक सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज डिफिकल्ट बट स्टिल can be used for 25 into 25 of 625 diagraph rather than of 25 monograph which is difficult so aap isse na bahut bade bade diagraph bana sakte ho theek hai jitna bada letter ho utne bade diagraph banao frequency analysis thus require kya more cipher text to crack the encryption डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे ए बी का बी ए हो जाता है यू आर आई यू आर का आर यू हो जाता है कई बार ऐसे भी टेक्स्ट आपको मिल जाते हैं ना तो उस केस में प्लस सिमेट्रिक साइफर दस द यूज ऑफ द बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की सो यहाँ पे आपका डिसएडवांटेज क्या है जैसे मैं इंक्रिप्शन के लिए की चाहिए वैसे मैं डिक्रिप्शन के लिए भी की चाहिए ठीक है यस सर ओके सो यहाँ से आप लिस्ट ले लेना जो से भी आपको साइफर लगे जस्ट सर्च ऑन द गूगल टॉप 10 साइफर्स और उनके बाद आप उन साइफर्स को सर्च करके उनको एटलीस्ट पढ़ो ठीक है ठीक सो ये आपका होमवर्क है आप होमवर्क अपना कंप्लीट करना एंड आज के लिए इतने रखते हैं देन वी विल कंटिन्यू टुमारो ठीक है क्लियर है ना शुभमन जी क्लियर सर आज क्लियर सर ठीक है सो पढ़ो ये टॉपिक काफी लंबा होने वाला है इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी ठीक है सर
ओके जी, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय सर, ओके बाय बाय।